गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा उत्तर मुंबई के कई जगहों पर झंडा फहराया गया। इस मौके पर मौजूद गोपाल शेट्टी ने किसान आंदोलन और राम मंदिर जैसे मुद्दे पर अपनी बात रखी। किसान बिल पर गोपाल शेट्टी बोले, MSP बिल से सरकार को कोई फायदा नहीं। इस मौके पर गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। राम मंदिर के बारे में 2 मिनट में बताना चाहूंगा। हम सब भाग्यवान है मित्रों कि हमारे नजर के सामने बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी के 20 साल में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हमने देखे। जरा कभी याद करिए, हमारे पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी गुलामी के दिनों में उन्होंने जीवन जिया। हमारे नजर के सामने, उनके नजर के सामने मुगल आए, हमारा अस्मिता का जो मंदिर था उसको तोड़ा उन्होंने। हम कुछ नहीं कर पाए, इतना साल हम कुछ नहीं कर पाए। देश आजाद होने के बाद में भी तुरंत पहले ही हो जाना चाहिए था। जैसे देश आजाद होने के बाद में सोमनाथ का मंदिर भी 17 बार लूटा गया था, तोड़ा गया था, सरकार ने अपने पैसे से मंदिर बनवा दिया। 1947 में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। कोर्ट कचहरी चला इतना लंबा, उसका रिजल्ट आ गया, हमारे पक्ष में आ गया, देश के पक्ष में आ गया। हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, हिंदुत्व ये कोई जात नहीं है, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन फिर भी हिंदुत्व के ऊपर इतना लोगों को गुस्सा है और आक्रोश है कुछ लोगों को कि पूछिए मत। मैं कभी राजकीय टिप्पणी, पॉलिटिकल टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन संजय राउत के उस बयान पर मुझे गुस्सा इसलिए आया। संजय राउत कहते हैं क्या ये राम मंदिर के नाम पे 2024 की तैयारी हो रही है क्या? अरे भैया, 2024 की तैयारी तो लोगों ने कर लिया है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं। मैं संजय राउत से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके मन में ये है कि देश में फिर एक बार मुगल राज आए? देश में फिर एक बार मुगल राज आना चाहिए, ये संजय राउत के मन में? किस तरह की बातें करते हो आप? और इस तरह की बात करने वाले लोग उन दिनों में भी होंगे, इसलिए हमारा देश एक साथ में कभी नहीं आया। इसलिए मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया और आजादी के बाद में इन भ्रष्टाचारियों ने हमारे ऊपर देश में राज किया। इसलिए हमारा देश आज भी जितना आगे बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा नहीं, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। लेकिन हम सबको आने वाले दिनों में देश के बारे में सोचना पड़ेगा, देश के बारे में चिंता करना पड़ेगा। राम मंदिर के बारे में धनराशि इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ है, इसके बारे में बहुत सारे बुद्धिमान बात करते हैं, इतना पैसे की क्या जरूरत है, अभी तो बहुत जमा हो गया, ये है वो है। मित्रों, राम मंदिर निर्माण करने के लिए पैसा एक व्यक्ति अपने देश में देने वाला एक नहीं तो अनेक मिलेंगे। एक व्यक्ति अपने पैसे से पूरा राम मंदिर खड़ा कर देगा, लेकिन देश को चलाने वाले लोगों के मन में है कि ये मंदिर में देश के सारे लोगों का पैसा लगना चाहिए, ताकि उसको लगेगा कि ये मेरा मंदिर है, ये मेरे पैसे से बना हुआ है, ये मेरे पैसे से बना हुआ है, इसके लिए ये सारा हो रहा है। और मेरी खुद की भावना ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट में इतना पैसा जमा होना चाहिए, इतना पैसा जमा होना चाहिए, पूरा मंदिर निर्माण होने के बाद में इतना पैसा बचना चाहिए। ये पैसे के डर से, ये पैसे के ग्रेविटी से पाकिस्तान, चाइना और बाकी सारे देश के लोग भारत से डरना चाहिए कि इनके साथ में पंगा मत लो भाई।